सीधे चलते हैं रजत के पास कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग के लिए। बताइए रजत जी। बिल्कुल मेहर, इनफैक्ट क्रूड कल इंटरनेशनल मार्केट पे जोरदार तेजी पकड़ गया, वो आज बाजार कहीं ना कहीं फैक्टर करने की कोशिश करेगा। और कमोडिटी पे सबसे बेहतर वही एक कमोडिटी लग रही है फिलहाल के लिए। देखते हैं आज क्या मुनाफा वसूली करेंगे ट्रेडर्स या फिर यहां से और तेजी बन सकती है। पर कल ओवरनाइट जो फैसले आए फेड के, उसका आज असर प्रेशियस मेटल्स पे भी होना था, तो कहीं ना कहीं वो भी आज फोकस में रहेगा। तो दो कमोडिटीज जो बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहा है, एक तो गोल्ड और साथ ही साथ क्रूड। देखते हैं कि आज शुरुआत कैसे होती है। बेस मेटल्स पर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कल के सत्र में ज्यादा तेजी बनी। लेकिन क्रूड अब देखिए 2.5% की तेजी के साथ 2600 के लेवल को क्रॉस करता हुआ, 67 रुपए की जोरदार स्ट्रेंथ इस समय देखने को मिल रही है। और यही इनफैक्ट कल जो 6% इंटरनेशनल मार्केट पे चढ़ा था, उसको अब घरेलू बाजार जो फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है। नेचुरल गैस में उतनी तेजी नहीं है, लेकिन क्रूड आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। गोल्ड 1.5% मजबूत है, 29,393 का मौजूदा स्तर, 422 के लेवल से ज्यादा की तेजी। और साथ साथ सिल्वर में भी कुछ हाल आ गया, अब 560 रुपए की मजबूती। कॉमोडिटी में प्रेशियस मेटल्स और साथ ही साथ क्रूड दोनों की ओपनिंग पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ बेस मेटल 337 के लेवल पे 1% के आसपास की तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। M6 कॉपर पे निकल 582.70 का लेवल है, लगभग 0.1% के आसपास की तेजी। बेस मेटल्स की मजबूती अब बढ़ रही है और साथ ही साथ लेड में लगभग 0.5% के ज्यादा की तेजी हो चुकी है। ब्याज दरों में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है यूएस फेड की ओर से। 2016 में 4 बार दरें बढ़ाने का अनुमान था, उसको घटाकर 2 बार कर दिया गया और ब्याज दरें बढ़ाने के अनुमान में काफी कमी बाजार अनुमान से ज्यादा है। इन सभी को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय अनुज गुप्ता साहब जुड़े हैं एंजल कम्युनिटी से। अनुज जी शुक्रिया आपने समय देने के लिए। सर सबसे पहले आज के सत्र के लिए प्रेशियस मेटल्स पे आपका क्या आउटलुक है? गोल्ड और सिल्वर ट्रेड कैसे करें? क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? फेड पॉलिसी बैठक से क्या संकेत ले रहा है कमोडिटी मार्केट, ये बताएं। देखिए फेड पॉलिसी बैठक से कोई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाली बात नहीं हुई है, इंटरेस्ट रेट सेम रखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनता है गोल्ड के लिए। हालांकि अभी भी इन्फ्लेशन का कंसर्न वहां पर बना हुआ है, जॉब्स को लेकर कंसर्न है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो खबर है वो गोल्ड सिल्वर के लिए है, बुलियंस के लिए है। तो हमारा व्यू पहले की तरह है, बुलियंस में अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। हमें लगता है कि गोल्ड हालांकि गैप से खुला है ऊपर, करीबन 29,418 का ही बनाया है, मार्केट का थोड़ा बहुत डिप देता है तो अगेन बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए जो स्टॉप लॉस आएगा करीबन 29,100 का रहेगा। टारगेट ऊपर करीबन अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 29,500-29,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और कॉमेक्स में करीबन $1,270 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। राइट, ठीक है। क्रूड को कैसे प्ले करें सर इंटरनेशनल मार्केट में जो तेजी आई? एक तो ये बताएं कि तेजी अभी और बढ़ सकती है, इन्वेंट्री फिगर्स कैसे लगे आपको, और ऊपर से जो अब नेक्स्ट बिग ट्रिगर क्या है अनुज जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर अब क्रूड पे क्या आज तेजी और बढ़ेगी? बिल्कुल, क्रूड में जो इन्वेंट्री आई है वो कल सपोर्टिव आई है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्रूड के लिए निकल कर आया। इवन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्रूड ने अब $38 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया, करीबन 39.09 ट्रेड कर रहा है, तो एक रेजिस्टेंस लेवल था 38 का वो ब्रीच किया है। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर भी जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव रहेंगे, इन्वेंट्री भी सपोर्टिव है, साथ में टेक्निकल भी सपोर्टिव है, तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर भी बायस रहना चाहिए। टारगेट की अगर बात करें तो करीबन मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 2650-2660 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। राइट सर, इस समय अनुज जी अगर आपके पास मैं वापस आऊंगा, रिनेशा स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले ये जो हम बात कर रहे हैं अभी फेड की जो स्टेटमेंट्स कल आई, अब कमोडिटी मार्केट से क्या संकेत ले रहा है और खासतौर से प्रेशियस मेटल्स पे आउटलुक किया? क्या आपने कवरिंग शुरू कर दी यहाँ पर गोल्ड पे, निचले स्तर से खरीदारी बढ़ेगी, व्हाट्स योर आउटलुक और प्रेशियस मेटल्स में? हाय गुड मॉर्निंग, आप अगर देखेंगे कमोडिटी प्राइसेस को काफी अच्छा बूस्ट मिला है आफ्टर दिस फेड मीटिंग, एंड डॉलर इंडेक्स वो काफी वीक हुआ है, आउट परफॉर्मर हैज बीन क्रूड ऑयल। एंड जिस तरह से फंडामेंटल्स इम्प्रूव हो रहे हैं क्रूड ऑयल में, और हमको जिस तरह से कल न्यूज आया है कि 17 अप्रैल को ओपेक के मेंबर्स मिलेंगे एंड प्रोडक्शन कट या फीस पे और डिस्कशन होगा, भले ही उसमें ईरान पार्टिसिपेट करे कि ना करे, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। आई थिंक यहाँ से $39 के ऊपर क्रूड ऑयल सस्टेन करता है तो इट कैन गो अप टू $43 करंट प्राइजेस पे, एंड बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी क्रूड ऑयल में। एंड इवन गोल्ड सिल्वर में भी देखेंगे तो एक रेंज बनी हुई थी गोल्ड में 29,000-30,000, आई थिंक इट हैज टच द लोअर रेंज नाउ, अभी वापस यहाँ से प्राइसेस 30,000 तक टच हो सकती है। इवन सिल्वर कैन गो अप टू 38,000 इन 1 or 2 days। तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहेगा कमोडिटीज में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स हैज बीन वीकन आफ्टर फेड डिसीजन, क्योंकि रेट्स इस बार एक्सपेक्टेड है सिर्फ 2 ही बार बढ़ेंगे, जो प्रीवियस एक्सपेक्टेशन था 4 rate increases। राइट, ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अनुज जी बेस मेटल्स पे क्या तेजी बढ़ेगी, क्या लगता है आपको? एक तो सप्लाई डिमांड सिचुएशन कैसी है, और ऊपर से अगर आज के लिए कोई ट्रेड अपनाना हो फेड पॉलिसी बैठक के बाद, तो कौन सा ट्रेड इन सब में से, कॉपर जिंक निकल एल्यूमिनियम खरीदें तो क्या खरीदें अभी? देखिए कॉपर हमें लगता है कि कंपैरेटिवली बाकी बेस मेटल्स के थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। अगर हम देखें तो इसमें अगर टेक्निकल चार्ट्स पे देखें
तो मार्केट लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है और एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया है। इवन अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी लोअर लेवल से बढ़ते हुए नजर आए हैं। आज मार्केट अगर देखें तो 37 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कॉपर एक बेस्ट बाय हो सकता है इंट्राडे के लिए। टारगेट ऊपर करीबन 340 रुपए तक देखने को मिल सकता है। राइट निशा, आपका क्या टेक है? बेस मेटल्स क्या तेज होंगे यहाँ से? कौन सी कॉमोडिटी को ट्रैक करें आज के लिए? बेस मेटल्स में ओवरऑल फंडामेंटल्स आर स्टिल वीक, सप्लाई डिमांड जो है वो अभी भी काफी सरप्लस में है, इन्वेंटरीज लगातार बढ़ रही है, बट जिस तरह से इकोनॉमिक सेंटीमेंट हैज टर्न पॉजिटिव एंड पूरा कमोडिटी कॉम्प्लेक्स हैज टेकन दिस वेरी मच पॉजिटिव, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। यस, कॉपर लुक्स बेस्ट प्लेस एंड यहाँ से आई थिंक 340 तक के लेवल्स टच हो सकते हैं, तो बाय कीजिए बेस मेटल्स में। बट ट्राई टू बुक प्रॉफिट, पोजिशनल बेसिस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। आई थिंक दिस कुड बी अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। राइट, साथ ही साथ एग्री कॉमोडिटीज पे अगर पोजीशन बनानी हो अनुज जी, तो आज के लिए कौन सी एग्री कॉमोडिटी को ट्रैक कर रहे हैं आप? देखिए, हम देखे तो स्पाइस पैक में पिछले दो दिनों से काफी करेक्शन देखने को मिला है जी, तो हमारा व्यू स्पाइस में ही रहेगा। हमें लगता है कि जीरे के अंदर पिकवाली करके चल सकते हैं, नीचे टारगेट करीब हम 14,100 तक देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मार्केट एक नेगेटिव में है, तो सडन राइज यहाँ पे करके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनुज मेरे साथ जुड़ने के लिए, और निशा आपका भी शुक्रिया कॉमोडिटी मार्केट पे अप्रोच बताने के लिए, आउटलुक बताने के लिए। तो आज साफ तौर पे जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो क्रूड पे देखने को मिल रही है, और सोने चांदी कीमतों पे भी निचले स्तर से कुछ खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। शुगर आज की मई वायदा एंजल कॉमोडिटी की पोजिशनल कॉल है, खरीदें 3400 के लेवल पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर रहेगा, 3320 का एक स्टॉप लॉस रखें और 3500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। साथ साथ 11:30 बजे आज सबसे बड़ी कवरेज होगी। इनफैक्ट हमारे साथ चार मेहमान, नवीन माथुर जी एंजल कॉमोडिटी के, बिरन वकील मौजूद रहेंगे पैराडाइम कॉमोडिटी, वंदना भारती एसएमसी कॉम्ट्रेड के, और फयाज हुदानी साहब कोटक कॉमोडिटी के मौजूद रहेंगे। इनसे बात करेंगे, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज दिल्ली में एक मेगा रैली है, ज्वेलर्स हड़ताल पे हैं और आज मेगा रैली कर रहे हैं रामलीला मैदान पे, उस पर लाइव कवरेज जी बिजनेस पे आप देख पाएंगे।